उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दर्जनों गांव की हालत वहां की बदहाली बयां कर रही है। आजादी के 70 साल बाद भी उत्तराखंड के कई गांव विकास से वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी के उन दर्जनों गांवों की, जहां अभी भी सड़क की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की दूरी रोजाना पैदल ही तय करनी पड़ती है और अपने रोजमर्रा का सामान लाना पड़ता है। 40 साल हो गई, 40 साल की उम्र से पीठ मिल जाने हम सामान तमान जो बरियाती जो कुछ भी होनी हम पीठ मिल जानी। हमारे गांव सड़क कोई बट दीण आनी कोई नेता कई बोला हम नेता लोग घड़े हम बट दे दिया बट दे दिया कोई नहीं दीण। अब हम की करनी, अब उम्र हमार खत्म हो गए तब हम पीठ हमें ले जानी। अब आगे तक कोई विचार दे दिया हम नेता तो चलो हम आगे ना तो होल हम तो जिन कभी टाइम काटना चाहिए काटना चाहिए। 40 सालों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आते ही नेता गांव के चक्कर काटने लगते हैं और विकास के बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद यहां उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। गांवों में सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 10-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कोई भी जो है सामान खाने की हो या जो है कोई जो है गांव में बीमार हो जाता है या शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग विद्यालय 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये समस्या जो है पहाड़ की अभी बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार के विकास के लिए किए गए वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार के वादों के बाद भी लोग आज भी सड़कों से अभाव हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रदेश के डबल इंजन की सरकार आने के बाद क्या विकास रफ्तार पकड़ जाएगा, क्या उत्तराखंड के ये पहाड़ी गांव सड़क की राह देखते रह जाएंगे। TV 100 के लिए चौबट्टा खाल से पार्वत रावत की रिपोर्ट।